यो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो गाइस, आज की वीडियो में हम लोगों ने गाइस हमारी सारी की सारी, वैसे मतलब गाइस सारी तो नहीं, बट हाँ गाइस हमारे पास जितनी भी अभी हमारे पास एक्टिव बॉडीगार्ड्स है, मतलब एक्टिव आर्मी है, उस सारी आर्मी को गाइस हम एक जगह पे इकट्ठा करेंगे और उनको है ना हम लोग गाइस अलग अलग मतलब अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग बेसिस बनवाएंगे। देखो गाइस, क्योंकि देखो हमारे पे ना अभी बहुत भयंकर तरीके से अटैक्स हुए थे, इसमें गाइस हमारी पूरी आर्मी एक तरीके से ख़त्म ही हो गई थी। ये तो हमारे पास बैकअप आर्मी के लिए हमारे पास ग्रीन गैंग की मिलिट्री थी, ग्रीन गैंग की आर्मी थी हमारे पास, वरना तो भाई सीजे का तो पत्ता कट ही गया था। इसलिए गाइस हमें बैकअप आर्मी रखनी होगी, इसलिए भाई हम सीधा चलते हैं यहाँ से एयरपोर्ट। गाइस मैं एयरपोर्ट ही जा रहा था कि मैंने सोचा कि इस बार है ना हम जेट से नहीं फ्लाइट से चलते, तो अभी फ्लाइट पे बैठ। भाई फ्लाइट में बहुत मज़ा आ गया गाइज। तो गाइज अभी हम लोग डायरेक्टली अभी पहुँच चुके हैं हमारे यहाँ पे। तो गाइज मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे अपनी सारी आर्मी बुलाते हैं, और गाइज मैं भी सोच रहा था कि सारी आर्मी नहीं बुलाते, क्योंकि जिसके पास अभी आर्मर प्लस वेपन्स है उन्हीं आर्मी को बुलाते, क्योंकि हम लोग एक साथ सारी आर्मी बुलाएंगे ना तो गाइज बहुत सारा क्राउड भी हो जाएगा, और इसके वजह से गाइज पुलिस को पता चल गया तो बाई चांस वहाँ पर मिलिट्री भी आ सकती है। इसलिए गाइस अभी हम फटाफट, मैंने कार वहाँ से चोरी कर ली थी, तो अभी हम फटाफट यहाँ से चलते। पहले तो एक सेकंड रुको यार, ये गाइस सीजे ने एक मेंशन लिया है, बट ये गाइस ये मेंशन में घुसने का रास्ता थोड़े भयंकर वाले है। अबे यार ये गाड़ी, अब मैं शायद रॉन्ग वे पे चला रहा हूँ या तो फिर ये गाड़ी की बैंड बजी, मैं शायद कोई गलत रास्ते से आया हूँ, नहीं तो फिर यहाँ पे आने का ऐसा रास्ता तो नहीं होगा यार। कार कैसे लेके आते इधर? अबे यार ये क्या है ये? अबे मेरी गाड़ी के बैंड बज गए, छोड़ो जाने दो, कोई बात नहीं हम दूसरी गाड़ी लेंगे, वैसे भी अपनी गाड़ी नहीं थी। तो गाइस अभी फटाफट मैं अपने बॉडीगार्ड्स को बुलाता हूँ इधर, और गाइस हमें ना मैं सोच रहा हूँ इसको ना डायरेक्टली हम अपने एयरफील्ड पे ना, मतलब जो सीजे की एयरफील्ड है ना उस एयरफील्ड पे उन सबको बुलाते हैं, क्यों गाइस वो देखो बहुत बड़ी भी जगह है और गाइस कुछ लोग ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं चलेगा, इसलिए गाइस वहाँ पे हम बुलाएंगे। और गाइस हमारे जितने भी बॉडीगार्ड्स है जिनके पास एक्टिव आर्मर प्लस वेपन्स है उन सब को लेंगे। ओके तो गाइस अभी बातों में सुबह हो चुकी थी और गाइस ये दोनों भी आ चुके, बट इनकी गाड़ियाँ कहाँ हैं? एक सेकंड, ये गाड़ियाँ कहाँ फेंक के आ गए? ओए तुम्हारी गाड़ी का, ये गाड़ी तो सड़ी हुई है। एक काम करता हूँ गाइस, मैं इनसे बात कर लेता हूँ फिर आपसे मिलता हूँ। ओके तो गाइस मैं अभी इन लोगों से पूछ रहा था कि गाइस इन लोगों की गाड़ियाँ कहाँ पे, बट गाइस इन लोगों ने ना बताया कि अच्छा है कि गाइस हम लोगों ने यहाँ पे या फिर दूसरी अलग अलग जगहों पे लाइक मिलिट्री नहीं बुलाई, वरना गाइस बहुत बड़ा कांड हो सकता था, क्योंकि गाइस यहाँ पे ना अभी लाइक पुलिस से ना बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुकी है और गाइस दूसरी जगहों पर भी लाइक मिलिट्री अटैक कर सकती थी। इसलिए गाइस हम अपने एयरफील्ड पर बुलाएंगे तो कुछ ज़्यादा लफड़ा भी नहीं होगा और ज़्यादा लाइक ज़्यादा लोग भी नहीं होंगे, तो इसकी वजह से कुछ ज़्यादा ये नहीं होगा। बट ये कितने स्लो चल रहे हो यार, चलो एक भाई फटाफट चलते हैं हम वहाँ पे, मतलब धीरे धीरे चलते हैं यार। सीजे भी बहुत रिच पर्सन भी बन चुका है और गाइस बहुत बड़ा लीडर भी बन चुका है अभी ग्रीन गैंग का। तो ओके तो गाइस इन लोगों की गाड़ियाँ कौन सी है यार? ये शायद मे भी रेड कलर की है, एक बार इनसे पूछना पड़ेगा क्या मेरे को कि इनकी गाड़ी कौन सी है, अरे क्या पूछने का, चलो ये रेड कलर की गाड़ी लेके चलते हैं। मेरे ख्याल से यही गाड़ी है इन लोगों की, यही है हाँ यही है गाड़ी इन लोगों की। तो भाई फटाफट चलते हैं इस गाड़ी में बैठते और चलते सीधा अपने प्राइवेट एयरफील्ड पे। ओके ओ चलो चलो गाड़ी में बैठ जाओ, अभी मैं ही ड्राइविंग करूँगा। हाँ यही है गाड़ी। तो गाइस अभी हम सब लोग जाने वाले एयरफील्ड पे, पर गाइस मैं सोच रहा हूँ यार ये गाड़ी बहुत स्लो है, गाड़ी चेंज करो क्या? छोड़ो जाने दो, ऐसे गाड़ी जो लेके चलते। अरे गाड़ी क्या हो गया, गाड़ी में मुझे ऐसा क्यों लग रहा है गाड़ी में कुछ इशू है?
छोड़ो जाने दो, अभी हम चलाते गाड़ी, ये सब क्या, वो हम लोग पहुंच जाएंगे। ओके, अरे यार मैंने ठोक दी गाड़ी। अबे प्रीमियर अंधे तेरी बैस की आग साले, छोड़ो जाने दो। तो गाइस मैं अभी आपको लाइक पूरी बात बताता हूँ। तो गाइस एक काम करते, पहले तो मैं वहाँ पे चलता हूँ, फिर आपको मैं बताऊँगा कि हमें क्या करना है। तो मैं गाड़ी लेके उधर चलता हूँ। ओके, तो गाइज़ मैं इधर आ ही रहा था कि लाइक मेरी गाड़ी ख़राब हो गई, और गाइज़ वो गाड़ी वो लोग उधर ठीक कर रहे हैं, और गाइज़ मैंने एक दूसरी गाड़ी चोरी कर ली। और गाइज़ मेरे को न्यूज़ अभी मिलेगी, गाइज़ हमारे सारे के सारे जिनके पास अभी गन्स प्लस बेस्ट आर्मर है वो लोग गाइज़ इधर पहुँच चुके। और गाइज़ ये लोग हमारे एयरफील्ड पर, और गाइज़ हमारे पास इतने ही है जिनके पास आर्मर प्लस वेपन्स प्लस आर्मर है। क्या बोल रहा हूँ यार मैं, मेरा मतलब है गाइस जिनके पास आर्मर प्लस वेपन्स है और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है अभी। और गाइस हमारे पास इतने लोग हैं, गाइस हम सबके लिए आर्मर लेंगे। गाइस हमारे पास टोटल आर्मी है ना 5 to 6,000 पर्सन है हमारी आर्मी में। बट गाइस जिनके पास स्ट्रॉन्ग आर्मर है, जिनके पास कार्स प्लस आर्मर है, वही लोग अभी यहाँ पे है। और गाइस बाकियों के पास इतने सारे वेपन्स नहीं है, बट गाइस ये भी बहुत सारे लोग है गाइस। जैसे तो गाइस मैं अटैक करूँगा इन लोगों के साथ, मिलिट्री जीत लूँगा यार मैं, वैसे कुछ ज़्यादा ही हो गया ये। गाइज एकदम पुलिस वालों की तरह ही है। एक काम करते हैं, इनसे गाइज बात करते हैं, और गाइज इनको अलग अलग कंट्रीज में भेजने की तैयारी कर। ओके, तो गाइज मेरी इन लोगों से बात हो चुकी है। तो गाइज अभी हम लोग हैं ना, गाइज हमारे छोटे छोटे दस्ते बनाने वाले हैं, आई मीन मतलब छोटा छोटा काफिला बनाएंगे, और गाइज अलग अलग कंट्रियों में हम उसे भेज देंगे उस काफिले को। और वो है ना गाइज वहाँ पे अपना बेस बनाएगी, और वो वहाँ की बेस से ना वैसे अपना धीरे धीरे करके नेटवर्क बढ़ाएंगे। देखो गाइज ये इसका मेन रीज़न ये है, क्यों गाइज हमारे पास भी अटैक हुआ था, और ये अटैक इतना पावरफुल था ना कि गाइज आप लोगों को पता ही है। इसके लिए गाइज हमें ना अलग अलग कंट्रीज में रहेंगे, तो गाइज हमारा नेटवर्क भी धीरे धीरे करके स्ट्रॉन्ग होता रहेगा, और ये लोग भी लाइक दूसरे दूसरे लोगों को अपने अंदर ले अपने आर्मी में इकट्ठा करेंगे। तो यस गाइज आज की वीडियो यही थी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इंस्टाग्राम को जाके फॉलो कर लेना। एंड बाय बाय।